जय हिंद साथियों। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्किल में। साथियों इस चैनल पे हम लाते हैं बीएड से रिलेटेड जो भी सूचना है उसको। साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं कोर्स नंबर 3 जो कि ये बीएड फर्स्ट ईयर का है। आप जानते ही होंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर में सभी कोर्स सभी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो दोस्त कोर्स नंबर 3 के बारे में आज हम जानेंगे। कोर्स नंबर 3 का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। जैसा कि ऊपर हेडलाइंस देख पा रहे होंगे ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का ये कोर्स नंबर 3 है जिसका नाम है लर्निंग एवं टीचिंग। तो साथियों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स 3 का यूनिट्स के बारे में कि इसके अंतर्गत कितने यूनिट्स आते हैं। जैसा कि जानते हैं इसके अंतर्गत भी 5 यूनिट्स आते हैं और 5ों यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 यूनिट से 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 5 यूनिट से टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। 1 यूनिट से 1 क्वेश्चन का जवाब आपको देना रहता है। इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देने होंगे टोटल 10 क्वेश्चन में। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या यूनिट्स है। तो पहला यूनिट्स का नाम है लर्निंग नेचर टाइप एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि कितने टाइप के होते हैं उनके क्या स्ट्रेटजीज हैं। और दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग, तो ये दूसरा यूनिट्स है। तीसरा यूनिट्स का नाम है अंडरस्टैंडिंग टीचर एंड टीचिंग। और चौथा यूनिट्स है प्लानिंग फॉर टीचिंग, टीचिंग करने के लिए क्या क्या प्लानिंग चाहिए, क्या क्या प्लान होना चाहिए। पांचवा यूनिट से आता होता नाम है स्किल एंड स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, यानी कि स्किल और स्ट्रेटजीज, टीचिंग का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो ये तो है साथियों लर्निंग और टीचिंग के यूनिट्स। तो ये 5 यूनिट्स होते हैं लर्निंग और टीचिंग के। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं साथियों कि इस यूनिट से कौन कौन से वो क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन साथियों लिए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन लर्निंग और टीचिंग के जो एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चंस हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। आप इनको जरूर एकदम रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला VVI क्वेश्चन है अधिगम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें और इसके विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि अधिगम। अधिगम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। तो अधिगम से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें कि ये कितने तरह के होते हैं और इसके विशेषता का वर्णन करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड है सृजनवादी दृष्टिकोण से, सृजनवादी दृष्टिकोण से अधिकार के शिक्षण शास्त्री सिद्धांतों का वर्णन करें, यानी कि सृजनवादी दृष्टिकोण से अधिगम के क्षेत्र में जो शिक्षण शास्त्री हैं उनके सिद्धांतों का वर्णन करना है। और नंबर 3 है साथियों वो ये कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, बच्चों को बताना कि देखो तुम पढ़ोगे तो क्या होगा, आगे चलकर तुम क्या करोगे, तो इसको अभिप्रेरण कहते हैं। शिक्षक अधिगमन में इसके क्या महत्व हैं, मतलब कि अगर आप टीचर हैं तो टीचर को क्यों मोटिवेशन करना चाहिए बच्चों को, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन जो 4 है वो भूलना क्या है। भूलना मतलब फॉरगेटिंग, बच्चों के अक्सर शिकायत होते हैं कि आज कुछ दीजिए याद करने के लिए तो 2-3 दिन के बाद ना वो बच्चा भूल जाता है, तो यही क्वेश्चन आता है कि भूलना क्या है, व्हाट इज फॉरगेटिंग, छात्र कैसे भूलते हैं और भूलने को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन, यानी छात्र कैसे भूल जाता है किसी चीज़ को और भूलता है तो कैसे भूलता है, किस किस वजह से वो किसी भी चीज़ को भूल जाता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लर्निंग और टीचिंग से ये क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या है, यानी कि शिक्षण से पहले क्या क्या होना चाहिए, शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी कि शिक्षण से पहले क्या क्या करना आवश्यक है और एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए उसके पूर्व क्रियात्मक अवस्था में।
और नंबर है 6, प्रभावी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। प्रभावी शिक्षण का मतलब ऐसा शिक्षण जो एक बच्चों पे प्रभाव डालता है, तो प्रभावी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। और प्रभावी शिक्षक के प्रमुख गुणों का वर्णन करें, यानी कि जो प्रभावी शिक्षक है उसका क्या क्या गुण होना चाहिए। तो ये था टॉप 6 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं टॉप 7 क्वेश्चन में। तो टॉप 7 क्वेश्चन पे आता है पाठ योजना क्या है। पाठ योजना क्या है, इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि सवाल आते हैं कि पाठ योजना से क्या समझते हैं और ये इकाई योजना और पाठ योजना में क्या अंतर है। फिर बात कर लेते हैं 8 टॉप क्वेश्चन का। टॉप 8 क्वेश्चन में आता है समूह चर्चा क्या है, यानी ग्रुपिंग। शिक्षण में समूह चर्चा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन करें। मतलब कि समूह चर्चा क्या है और शिक्षण में यानी कि टीचिंग करने में इसका क्या उपयोग है, समूह चर्चा का क्या उपयोग है टीचिंग में, इसको वर्णन करना है। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है विभिन्न मीडिया का प्रयोग करते हुए शिक्षण की विवेचना विस्तार से करिए। यानी अलग अलग मीडिया का प्रयोग करके शिक्षण को किस प्रकार अंजाम दिया जा सकता है, विवेचना करना है विस्तार से। और टॉप 10 में यानी कि लास्ट जो क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का, पृष्ठ पोषण क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में इसके क्या महत्व हैं। यानी कि ये थे दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन। और इन टॉप 10 क्वेश्चंस को हम लोग लिए हुए हैं लर्निंग और टीचिंग में, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के ये तीसरा सब्जेक्ट है, ये तीसरा कोर्स थर्ड कोर्स के नाम से प्रचलित है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको इस चैनल पे जिसका नाम साइंस स्किल है, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर का दो सब्जेक्ट। पहला कोर्स 1 था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि इसका पूरा टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी और उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। फिर आपको कोर्स 2 जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन, तो इस कोर्स का भी आपको फुल्ली आपको आंसर सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और साथियों, आज अब हम लोग देख लिए कि कोर्स नंबर 3 जिसका नाम है लर्निंग और टीचिंग, तो लर्निंग और टीचिंग में टोटल हम लोग लर्निंग और टीचिंग के टोटल 10 क्वेश्चंस को लिए हैं, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं साथियों, कोई भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी आपका एडमिशन है, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और कोर्स नंबर 3 पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर के क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। ये तो था साथियों क्वेश्चंस, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लर्निंग और टीचिंग के। साथियों, आप इस चैनल से जुड़े रहें और हम इन सभी 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे लाने वाले हैं। तो साथियों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ज़रूर इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।